वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने फिर से एक आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रत्येक टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आशा करते हैं कि आप लोग घर पे ठीक ढंग से पूरी तरह से सुरक्षित होंगे और ये जितने भी टॉपिक आपको जिन स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी और क्लास 10th साइंस, ये दोनों में मिलेगा आपको। सो टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प की संरचना। तो जनरली आपने देखा होगा कि फूल सब लोगों ने देखा ऑलमोस्ट, लेकिन फ्लावर के भी नाम हो सकते हैं, ऐसा आपने कभी कल्पना किया है क्या कि फूल के भी पर्टिकुलर अलग अलग नाम होते हैं उसके अंदर? जैसे कि ह्यूमन बॉडी में अलग अलग नाम होते हैं, वैसे उसके भी पार्ट्स के अलग अलग नाम इंडिकेट होते हैं। तो ये फ्रंट में एक इमेज शो हो रही है, एक डायग्राम शो हो रहा है, उसमें आप कुछ नाम देख पा रहे हो, बाकी की डिटेल आपको आगे मिलेगी। सो डेफिनेशन ऑफ फ्लावर इज, इन प्लांट गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर कंटेन फोर होल्स, होल का अर्थ है यहाँ पार्ट्स, फोर होल्स। फर्स्ट इज कैलिक्स, इसे सेपल भी कहते हैं। सेकेंड इज कोरोला, इसे पेटल भी कहते हैं। थर्ड इज एंड्रोसियम, इसे MRO यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। फोर्थ है गायनोसियम, इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि FRO कहते हैं। तो फ्लावर की सबसे पहले आपको परिभाषा बताएंगे कि पौधों में जो विशेष प्रकार के अंगों के द्वारा जिन गैमेट्स का निर्माण किया जाता है या जो गैमेट्स बनाए जाते हैं पौधों में, वो स्पेशल टाइप के अंगों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उस संरचना को हम पुष्प यानी कि फूल कहते हैं। प्रत्येक पुष्प में चार होल पाए जाते हैं, पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंड्रोसियम और चौथा है आपका गायनोसियम। या एंड्रोसियम और गायनोसियम ये इसके मेन पार्ट हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज कैलिक्स, इसे हम सेपल भी कह रहे हैं। सो कैलिक्स इज, इट इज द फर्स्ट होल या पार्ट ऑफ फ्लावर, इट इज सिचुएटेड लोअर पोर्शन ऑफ द फ्लावर, इट्स अ सिंगल यूनिट इज नॉन एज सेपल, दिस पार्ट इज अटैच्ड विथ थैलेमस। तो फ्लावर में सबसे नीचे का जो भाग देख पाते हो जहाँ उसका स्टाक अटैच होता है, यानी कि फ्लावर जिस प्लांट से जुड़ा रहता है तो वहाँ पे एक जो पतली डंडी सी रहती है उस के ऊपर वाले पोर्शन पर एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर अटैच होती है, उसे हम कैलिक्स कहते हैं। और उसकी एक यूनिट यानी कि एक पत्ती जो होती है उसे हम सेपल के नाम से जानते हैं। ये एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है वो फ्लावर के सभी इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करने का कार्य करती है। इनकी संख्या 1, 3, 5, 7, 9 अक्षर देखी गई है। इसके अलावा सेकेंड पोर्शन है कोरोला, इसे हम पेटल भी कहते हैं। सो यह इसका सेकेंड होल है यानी कि दूसरा भाग है। इट इज द सेकेंड होल ऑफ द फ्लावर, मेनली कोरोला इज कलरफुल स्ट्रक्चर, इट्स अ सिंगल यूनिट इज नॉन एज पेटल। अब हम यहां आपको बता रहे हैं कि कोरोला यह प्रत्येक पुष्प का दूसरा भाग होता है, यानी कि फूल में जो ऊपर कलरफुल पत्तियां यानी कि रंगीन पत्तियां जो दिखाई देती हैं उन्हें हम पेटल कहते हैं। यानी कि पेटल जो है ना इसकी एक सिंगल यूनिट होती है और ओवरऑल लीव्स जो है ना कोरोला कहलाती हैं। तो यहाँ पे
नीचे वाले भाग में आपने समझा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो आपका कैलेक्स हो गया, कैलेक्स का जो सिंगल यूनिट है वो पेटल, वो सेपल हो गया। इसके अलावा सेकंड पार्ट है कोरोला, तो कोरोला का जो सिंगल यूनिट है वो आपका पेटल हो गया। थर्ड इज एंड्रोसियम, MRO, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज द मैन पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो डेफिनेशन इज एंड्रोसियम, इट इज द थर्ड होल ऑफ द फ्लावर, इट इज ऑल्सो नॉन एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन या माइक्रोस्पोरोफिल, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, नंबर ए एंथर, नंबर बी फिलामेंट, नंबर सी कनेक्टिव। तो फ्लावर में जो तीसरा होल यानी कि तीसरा भाग होता है वह नर जननांग के नाम से जाना जाता है, यह स्टेमन या माइक्रोस्पोरोफिल भी कहलाता है, इसको हम स्टेमन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फ्लावर में जो एंड्रोसियम है वो तीन भाग का निर्माण करता है, एंथर यानी कि फ्लावर में जो गोल संरचना होती है एंड्रोसियम में उसे एंथर कहते हैं, एक धागे जैसी संरचना होती है उसे फिलामेंट कहते हैं, और तीसरा है कनेक्टिव जो उससे जुड़ा रहता है। अगर हो गया तो आपको जल्द ही इसका एक प्रैक्टिकल यानी कि फ्लावर का जो डिसेक्शन है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, वहाँ प्रॉपरली इसके नामों को भी समझ पाओगे। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट इज गायनोसियम या FRO, इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं, इट इज़ द फोर्थ होल ऑफ द फ्लावर, इट इज ऑल्सो नॉन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल या कार्पेल, ईच कार्पेल कंटेन थ्री पार्ट्स, नंबर ए स्टिग्मा, नंबर बी स्टाइल, नंबर सी ओवरी। तो ये आप यहाँ देख पा रहे हो गायनोसियम के बारे में, यह फूल का चौथा मुख्य भाग होता है, इसे मादा जननांग के नाम से जाना जाता है, यह पिस्टिल या कार्पल का निर्माण करता है, और प्रत्येक कार्पल में तीन भाग पाए जाते हैं, एक स्टिग्मा, दूसरा नंबर बी स्टाइल, और तीसरा है ओवरी यानी कि सी पॉइंट ओवरी। ओवरी के अंदर जो है ना एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, तो ओवरी इसका मेन पार्ट होता है जो आगे की ओर सीड का निर्माण करता है यानी कि बीज का निर्माण करता है, और यही पॉलिनेशन की जो प्रोसेस के दौरान पॉलन ग्रेन्स आते हैं वो आगे की ओर पहुंचते हैं। तो ये आपने यहाँ फ्लावर के चार भाग पढ़े, फर्स्ट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, और चौथा था आपका गायनोसियम। तो अब हम यहाँ इसके जो फ्लावर के मेन फंक्शन है उनके बारे में बताएंगे कि द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो है ना रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड्रोसियम एंड गायनोसियम आर द मेन एसेंशियल ऑर्गन, एंड्रोसियम और गायनोसियम इसके एसेंशियल अंग होते हैं यानी कि आवश्यक अंग होते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड एसेसरी ऑर्गन या नॉन एसेंशियल ऑर्गन। कैलिक्स और कोरोला जो है दलपुंज और बाएं दलपुंज कहलाते हैं हिंदी में, ये इसके सहायक अंगों के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा फ्लावर में आपको बता दें कि जब भी आप इसका डिसेक्शन करोगे, और क्लास 12th और 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, क्योंकि मोस्टली ये कई बार रिपीट भी हो चुका है, लास्ट 2019 बैच में भी रिपीट हुआ था ये। सो अब हम इसका यहाँ स्ट्रक्चर बताएंगे। तो प्रत्येक फ्लावर में जैसे कि हिबिस्कस, रोजा हिबिस्कस साइनेंसिस यानी कि गुड़ैल के फूल को लेते हो तो उसमें नीचे की तरफ हरी पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है वो कैलिक्स कहलाती हैं,
उसके बाद ऊपर जो कलरफुल स्ट्रक्चर है वो आपका कोरोला है, और फिर उसके अंदर एंड्रोसियम और गायनोसियम को प्रॉपरली आप देख पाओगे। तो अब हम यहाँ एक स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लावर में सबसे नीचे की तरफ देख पा रहे हो स्टाक या पेडिसिल लिखा हुआ है। तो ये भाग जो है आपका प्रत्येक पौधे से यानी कि प्लांट से अटैच होता है। उसके बाद थैलेमस, थैलेमस प्रत्येक फूल का वह भाग होता है जहां पर फूल के सभी अंग यानी कि सभी ऑर्गन्स जो है ना अटैच रहते हैं। एक प्रकार से ये इसका फाउंडेशन है जहां पे फ्लावर के अदर पार्ट अटैच रहेंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ देख पा रहे हो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जहां आपको ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, उसे हम सेपल कह रहे हैं। तो सेपल जो है ना इट इज द सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स, यानी कि नीचे की तरफ जो पत्तियां पाई जा रही हैं उसकी जो एक पत्ती है वो सेपल कहलाएगी। और डिफरेंट टाइप के जो इसका समूह है, ये पत्तियों का जो समूह है वो आपका कैलिक्स कहलाता है। फिर जस्ट इसके ऊपर आपको सेकंड पॉइंट के रूप में मिलेगा पेटल। पेटल यानी कि इसकी एक यूनिट होती है पेटल, और उसके ऊपर का जो ग्रुप है उसे हम कहेंगे यानी कि जो समूह है उसे कोरोला कहते हैं। इसकी संख्या आपको अलग अलग फ्लावर में अलग अलग प्रकार से मिलेगी। थर्ड है आपका एंड्रोसियम यानी कि इसे हम MRO कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि नर जननांग। तो इसको तीन भागों में बांटा जाता है बेटा। फर्स्ट है एंथर, एंथर यानी कि जो ऊपर गोल संरचना देख पा रहे हो वो एंथर कहलाता है। इसके अलावा सेकंड जो थिन फिलामेंट यानी कि धागे जैसी जो संरचना आ रही है उसे हम फिलामेंट कहते हैं, और ये जहाँ जुड़ा रहता है उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। तो ये दोनों पोर्शन यानी कि एंथर और फिलामेंट, इनको हम आपस में यानी कि कंबाइंडली फॉर्म इज कॉल्ड स्टैमन। यदि हम समूह के रूप में इकट्ठा अगर इसको पढ़ते हैं तो इसे हम स्टैमन कह सकते हैं। तो एक प्रकार से इसकी यूनिट के रूप में भी जानी जाती है कि स्टैमन किसे कहा जाता है। तो स्टैमन कहीं ना कहीं एंथर और फिलामेंट दोनों आपस में मिलकर के बनाते हैं। ये इसका विशेष पोर्शन है क्योंकि एंथर के अंदर छोटे छोटे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बनते हैं जो ट्रांसफर होकर पॉलिनेशन की क्रिया को करते हैं। अब इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आपको बता रहे हैं गायनोसियम, ये आपका FRO कहलाता है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। तो कहीं ना कहीं इसको देखा गया है कि इसका मादा जननांग है और इसको तीन भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप अपने लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो। तो ये तीन भागों से मिलकर के बनता है। फर्स्ट अपर पोर्शन, जैसा कि गुड़ैल में भी आप इसको क्लियरली देख पाओगे क्योंकि गुड़ैल के ऊपर अगर देखा जाए तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि प्रॉपरली उसका एक एक ऑर्गन क्लियर दिखाई देता है। तो गायनोसियम जो है ना तीन भागों से मिलकर के बनता है। ऊपर का टॉप फाउंडेशन देख पा रहे हो जिसे स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है, और इसके नीचे एक पतली ट्यूब देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। एंड थर्ड पोर्शन राउंडेड शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओवरी, यानी कि इसका जो तीसरा पोर्शन देख रहे हो वो ओवरी कहलाता है। इनसाइड ओवरी सिचुएटेड राउंडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर जो बिल्कुल सेंटर में आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो जो बिंदु जैसा रखा हुआ है उसे हम ओवरी सॉरी न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। यहीं इसी जगह पर जो पॉलन ग्रेन्स निकल करके आते हैं वो इंटररिएक्ट होते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन्स न्यूक्लियस से फ्यूज होता है। ये पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट इसी जगह होगी, और इसके अलावा जो सीड का और फ्रूट का डेवलपमेंट होता है वो भी इसी जगह से होता है। तो गायनोसियम जो है ना तीन भागों से मिलकर के बनाता है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को हम कंबाइंडली फॉर्म में यानी कि स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी कंबाइंडली फॉर्म कार्पेल या पिस्टिल। तो इस प्रकार से देखा जाए कि गायनोसियम की जो यूनिट है वो
पेस्टल भी कहलाती है। तो आई होप अंडरस्टूड प्रॉपरली दिस टॉपिक, सो नोट डाउन इन योर कॉपी। आई होप दिस टॉपिक प्रॉपरली अंडरस्टूड एंड आई प्रे टू गॉड फॉर स्पेशली माई डियर स्टूडेंट्स योर फैमिली कि यू आर प्रॉपरली सेफ एंड हेल्दी एंड स्टे योर होम। सो आई वुड लाइक टू प्रॉपरली आई एम सेइंग अ ग्रेट थॉट स्पेशली माई स्टूडेंट्स अ ग्रेट थिंकर स्वामी शिवानंदा यू ऑलवेज सेइंग पुट योर हार्ट माइंड एंड सोल इनटू इवन योर स्मॉलेस्ट एक्टिविटी। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अर्थात स्वामी शिवानंदा जी ने कहा है कि छोटे से छोटे कार्यों में भी आप अपना हृदय मन तथा आत्मा डाल दो, यही आपकी सफलता का सबसे अच्छा रहस्य है। क्योंकि बेटा जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें यदि पूरे तरीके से ये तीन शब्द उन्होंने कहे हैं कि हृदय मन तथा आत्मा से अगर किया जाए तो सफलता का एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट है। सो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।